ये देखिए, ये देखिए कैसे डांस कर रहे, देखिए वीर। अब तो यार हम ही डिपार्ट करेंगे, अब कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। 16094 गोमती सागर एक्सप्रेस, जिसका सर्विस आज से लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ था, तो इसी ट्रेन का जर्नी आज हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ में, अगर आप एक बेहतरीन और शानदार एक्शन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो आज हम लोग ड्राइव करने वाले हैं गोमती सागर एक्सप्रेस को, ड्राइव भी करने वाले हैं और एज ए पैसेंजर भी जर्नी का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग यहां पे देख सकते हो कि हम लोग अभी नागपुर स्टेशन में हैं। यहां पे स्टेशन का साइन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा और हमको यहां पे सिग्नल मिल चुका है, येलो सिग्नल आपको सामने दिख रहा होगा। और राइट साइड में एक ट्रेन अराइव की है, ये कौन सा ट्रेन है मैं एक बार देख लेता हूँ। F7 को प्रेस करेंगे उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा ट्रेन है। ये देखिए, ये है नागपुर भुसावल पैसेंजर। अच्छा, नागपुर भुसावल पैसेंजर, जिसका लोकोमोटिव 22033 रोड नंबर है और गाजियाबाद शेड का लोकोमोटिव है। आई थिंक WAP1 है ना ये। हाँ, मेरे को तो लगता है ये WAP1 ही होगा। हाँ, WAP1 है। तो गाइज, WAP1 आप में से किस किस को पसंद है जरा मुझे कमेंट से बता देना। और वहाँ उस साइड में देखिए एक फ्रेट ट्रेन भी आ रही है, मतलब फ्रेट ट्रेन बस डिपार्ट कर रही है यहाँ से, और बस हमारा भी डिपार्चर का वक्त हो चुका है। हम लोग पेंटोग्राफ को ऊपर करके रख लेते हैं। चलिए, अरे वाह, ये पेंटोग्राफ यार बड़ा फुर्तीला लग रहा है, प्रेस करते ही एकदम पटैक से ऊपर में चला गया। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे एक पार्सल ट्रेन भी डिपार्ट कर रही है लेफ्ट साइड से, अगर आप देखिए अगर पता चल रहा होगा। और हमारा जो है गाइज बस यहाँ से बस डिपार्चर का वक्त होने ही वाला है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये पार्सल ट्रेन है, इसको आप देख के रखिए, क्या पता इस ट्रेन के साथ में हमारा एक्ट में आगे भी मुलाकात हो जाए। ज़रा ध्यान रखिए इस ट्रेन का, झांसी चेन्नई फ्रेट V1। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। चलो, हमारा डिपार्चर का वक्त हो ही गया है, हम लोग हॉर्न बजा देते हैं, पहले ब्रेक्स रिलीज़ करते हैं और फिर हॉर्न बजा के हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। एक लम्बा सा और एक स्वीट सा हॉर्न बजा देते हैं। हॉर्न का साउंड तो यार ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अब डिपार्ट करते हैं यहाँ से। ट्रैक मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ गाइस, जो कि F4 प्रेस करने से ऑन होता है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में यार ये बता ही देता हूँ। चलिए, धीरे धीरे यहाँ से डिपार्ट करते हैं नागपुर जंक्शन से। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो जल्दी से कमेंट से बता दो। और आज हम लोग जो रूट खेल रहे हैं ना गाइस, इस रूट में ना आपको बहुत देसी वाला फीलिंग आएगा, क्योंकि ये रूट है ही ऐसा। चलो आप आगे चलो, अब वीडियो पूरा देखोगे तभी तो पता चलेगा ना, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यार आप लोग तो यार बीच में ही चले जाते हो, बीच में कहा, आप लोग बस 2-3 मिनट देख के ही भाग जाते हो। यार कभी तो पूरा देख लिया करो, अच्छा ही लगेगा आपको। हाँ, लेकिन कंडीशंस ये है कि भाई आपको ट्रेन्स पसंद आने चाहिए, मतलब रियल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में ट्रेन्स आपको पसंद होने चाहिए, तब जाके जो है ये आपको पसंद आएगा, नहीं तो नहीं पसंद आएगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट साइड से आपने नोटिस किया था कि एक फ्रेट ट्रेन डिपार्ट करके चली गई, वो पता नहीं कहाँ चली गई। और स्टेशन का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ इससे पहले कि हम लोग यहाँ से चले जाएँ। यहाँ पे देखिए, ये WAG5A दिखाई दे रहा है मेरे को, जिसका रोड नंबर 23529 है। ट्विन WAG5A है, एक BC ने फ्रेट रेक के साथ में, काफ़ी छोटी सी रेक है। और सामने में अगर आप देखेंगे तो एक ICF ट्रेन के कुछ स्टैटिक कोचेस, यहाँ पे भी कुछ स्टैटिक कोचेस, और पीछे में डायमंड क्रॉसिंग भी है। डायमंड क्रॉसिंग अगर आपको देखना है तो मैंने जो है दुरंतो एक्सप्रेस का शंटिंग वीडियो बनाया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको डायमंड क्रॉसिंग का पूरा एक्शन मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में ट्रेन है, इस ट्रेन का लोकोमोटिव का कपलिंग होने वाला है। देखिए, दूर आपको दिखाई दे रहा होगा WAP4 आ रहा है इस लोकोमोटिव को कपल करने के लिए, सॉरी इस ट्रेन को कपल करने के लिए। अब सामने पकड़ लेते हैं हम लोग ट्रेन को। ऊपर से देखिए प्लेन दिखाई दे रहा है, जरा आप लोग गिनती करना गाइस कि आज आपको कितने सारे प्लेन्स दिखाई दिए। नहीं जरा आप लोग गिनती करके मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताना। पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है गाइस हमको,
वैसे स्पीड यहाँ का 30 का है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग 120 पे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। वैसे 120 तक तो हमको जाना नहीं है, हम लोग 110 तक ही चलेंगे। चलिए चलिए जल्दी से स्पीड को बढ़ाते हैं। हमारा जो लोकोमोटिव है गाइस, ये WAM4 है, WAM4। WAM4 के साथ में जर्नी बहुत दिन बाद मैं WAM4 के साथ में जर्नी कर रहा हूँ। और आज का जो एक्ट है ये बनाया है हमारे संदीप कुमार जी ने। ये देखो सामने, देखो यहाँ पे फिर से कुछ डांस टाइप का हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे लोकोमोटिव के जो व्हील्स है वो कैसे डांस कर रहे थे। अभी मैं आपको आगे फिर से दिखाऊंगा, कोई स्विचेस, ट्रैक स्विचेस वगैरह अगर आता है तो वहाँ पे जो है ये व्हील्स डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि MSTS में कुछ भी हो सकता है। वैसे MSTS नहीं, ओपन रेल्स है, जो भी हो भाई MSTS का भाई है। सिग्नल येलो मिला है। और आज के एक्ट में ना एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत खतरनाक एक्शन है, काफ़ी मस्त वाले सीन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा इस पूरे वीडियो के साथ। चलिए मैं आपको ये यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ से नज़ारा देखिए, आपको लग रहा है ना बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा। हाँ अब आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ का स्पीड लिमिट तो 70 का है, तुम 90 में क्या कर रहे हो। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 70 में उतार देते हैं स्पीड को। नहीं यार छोड़ दीजिए, सामने 120 का लिमिट वापस से आ रहा है, तो मैं वापस से एक्सेलरेट करता हूँ गाइस। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेट ट्रेन दिखाई दे रही है मेरे को, ऊपर से हाईवे है गाइस। इस फ्रेट ट्रेन को भी याद रखना, क्या पता इसके साथ भी हमारा दोबारा मुलाकात हो जाए। ये देखिए इसके साथ में हल्का फुल्का पैरेलल रन टाइप का कुछ हो रहा है हमारा, 2 EMD लोकोमोटिव है। अच्छा इससे तो दोबारा ही मुलाकात हो रहा है ना, इस ट्रेन के साथ में हमारा नागपुर जंक्शन में मुलाकात हुआ था। अच्छा एक WAG9 है यहाँ पे, उसके राइट साइड में एक टैंकर वाली गुड्स ट्रेन भी है, और टैंकर का काफ़ी सारा यहाँ पे है, टैंकर के साथ में काफ़ी सारे फ्रेट भी है। और यहाँ पे एक कबूज दिखाई दे रहा है, कबूज मतलब ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फ्रेट के पीछे में जो लगा हुआ था ये वाला। हाँ तो राइट साइड में देखिए एक ट्रेन आ रही है, NGP BPQ फ्रेट नागपुर से। BPQ मतलब क्या है अगर आपको पता है तो कमेंट से बताना कि किस स्टेशन का कोड है ये। कोल लोडेड फ्रेट ट्रेन है ये, यहाँ पे हमको स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, देखिए व्हील। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग अब जल्दी जल्दी से एक्सेलरेट करते हैं। ये देखिए वो एक और प्लेन, एक और एरोप्लेन ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग जिस रूट में खेल रहे हैं, इस रूट का नेम है विदर्भा रूट। इसको नागपुर भुसावल रूट के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हॉर्न का सिंबल था, इसलिए हमने हॉर्न बजा दिया। हॉर्न तो सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हॉर्न है गाइस, सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग स्पीड को जल्दी से बढ़ा देते हैं गाइस। ये व्हील से भी यार हर बार दिमाग खराब करती है, हर बार। थ्रॉटल को 80% के आसपास में रखता हूँ गाइस अभी फिलहाल। तो इस साइड में आ जाते हैं, देखते हैं कि राइट साइड के ट्रैक्स में सिग्नल कैसा है। तब तक आप लोग गार्ड का जो कोच है ना उसको अंदर से जरा देख लो। ये देखो गार्ड साहब का जो कोच है यहाँ पे कुछ ये है, ये बीपी मतलब क्या है, ब्रेक पाइप या फिर ब्रेक प्रेशर, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। गार्ड का जो कोच है, गार्ड कोच का जो टूर है मैं आपको दे दिया हूँ, अब बताना कमेंट्स में कैसा है। ऊपर में देखिए हमारे इंडिया वाला ट्रक। तो यार काफ़ी कुछ इस रूट में ऐड किया गया है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। काफ़ी मस्त मस्त जो है सीनरी वगैरह लगाया गया है इस रूट में। यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो कि राइट साइड में, राइट नहीं मेरे ट्रेन के लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स अपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, और एक ऑयल रेफिनरी टाइप का कुछ लग रहा है मेरे को, कुछ ऑयल रेफिनरी टाइप का लग रहा है। और ये क्या है भाई, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेनर सर्विस। अच्छा कंटेनर का सर्विस किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए यार मैं कह रहा था ना इस रूट में काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए। और इस साइड में क्या है, इस साइड में पता नहीं कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं। हम ट्रेन को पकड़ लेते हैं गाइस, और सामने में एक ट्रेन आइडल खड़ी है जिसका कि WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है, आपको देख के पता चल रहा होगा WAP4 लोकोमोटिव के साथ में है।
और ये हम लोग लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो कोई EMD लोकोमोटिव खड़ी है, और हम लोग अभी खपड़ी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। एक फ्रेट ट्रेन आ रही है, इसका क्रॉसिंग आप लोग देख लो, ये भी कोल लोडेड है। हाँ तो ये लेफ्ट साइड में ये कोल रेफिनरी है, ये क्या कोल का फैक्ट्री है फिर ऑयल रेफिनरी? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर से बताना मेरे को। और एक और ख़तरनाक वाला चीज़ देखिए, ग्राफिक्स का जो ख़तरनाक वाला चीज़, ये देखिए ऊपर में जो, ये देखिए ऊपर में जो है कैसे फायर का जो है यहाँ पे एनिमेशन करके दिखाया गया है। देखिए यार बताओ यार, अब क्या चाहिए यार, इतना कुछ डिटेलिंग में ध्यान दिया गया इस रूट में, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई? इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई आप ओपन रेल्स में? तो काफ़ी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। चलिए ट्रेन को पकड़ लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ट्रेन के पीछे में आ गए, और राइट साइड लेफ्ट साइड हर साइड में खेत ही खेत है, जो कि जाहिर सी बात है, जो कि आप इंडिया में अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा कि खेत काफ़ी सारे दिखाई देते हैं अगर आप ट्रेन जर्नीस करते हो इंडिया में। तो राइट साइड से एक और ट्रेन आ रही है, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु एक्सप्रेस का WAF4 के साथ में क्रॉसिंग होने वाला है। ये हो गया क्रॉसिंग। तो गाइस सामने देख के मेरे को लग रहा है कि हमारा होने वाला है ट्रैक चेंज। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्पीड को रिड्यूस करके रखते हैं, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं हमारे स्पीड को रिड्यूस, क्योंकि सामने जो है होने वाला है हमारा ट्रैक्स चेंज। लगता है गाइस फिर से कोई ओवरटेक वगैरह होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ओवरटेक होता है हमारे सामने में। और गाइस काफ़ी टाइट वाली ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने जो है काफ़ी पास आ रहा है ट्रैक्स चेंज। और 22631 अनुव्रत सुपरफास्ट एक्सप्रेस का क्रॉसिंग देख लीजिए आप लोग, ट्विन WAM4 के साथ में है आई थिंक, मेरे को जैसा लग रहा है। और ये कुछ LHB कोचेस, अच्छा बीच में इसका तीन EOG, अच्छा नहीं चार EOG लगा हुआ है, चार EOG लगा हुआ था गाइस। ऐसा ट्रेन आपने रियल वर्ल्ड में कभी देखा है क्या, जिसका बीच में चार EOG लगा के रखे हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो फिलहाल काफ़ी धीरे धीरे जो है लूप लाइन पे एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे रुकना है और काफ़ी केयरफुली यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा गाइस। तो ये स्टेशन कौन सा है? गुमगांव, गुमगांव स्टेशन है। पहले हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टेशन का नज़ारा। चलिए चलिए ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं गाइस यहाँ से। गाइस इसका जो है ना ब्रेक्स काफ़ी कमज़ोर है, अगर ब्रेक्स अभी से अप्लाई नहीं करेंगे ना तो ये टाइम पे रुक भी नहीं पाएगी। चलिए अब यहाँ पे रोक देते हैं इस ट्रेन को, बिल्कुल सही जगह पे हम ट्रेन को बस रोकने ही वाले हैं। रुक जाओ भाई, फाइनली हमने ट्रेन को रोक दिया है गुमगांव स्टेशन पे। यहाँ पे एक होने वाला हमारा ओवरटेक, सामने से एक और ट्रेन आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रेन है। 16864 मनरगुड़ी BGKT एक्सप्रेस। ये वाला क्रॉसिंग कैसा लगा गाइस आपको? ICF लिवरी के साथ में ये पूरी ट्रेन है। तो यार अब देखते हैं कि हमको कौन ओवरटेक करने वाला है। वैसे गोमती सागर एक्सप्रेस का प्रायोरिटी कैसा रहता है? वेल मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मैं इस साइड से हूँ नहीं। आप में से अगर कोई इस साइड से हो और गोमती सागर एक्सप्रेस में जर्नी किए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि इसका प्रायोरिटी कैसा रहता है। देखते हैं आज एक्ट में पता चल जाएगा। और संदीप कुमार का जो एक्ट होता है ना, पूरा रियल वर्ल्ड पे बेस्ड होता है और बहुत ही मस्त वाले एक्ट बनाते हैं, क्योंकि मैं जब से MSTS खेल रहा हूँ ना तब से मैं इन्हीं के एक्ट्स के दीवाने हो चुका था। तो यार बहुत ही खतरनाक और मस्त वाले एक्ट बनाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी trainsim.com से फ्री में डाउनलोड करके इस एक्ट को खेल सकते हैं। ये रूट भी trainsim.com में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग और इस एक्ट का आनंद आप ले सकते हैं। तो वो देखिए सामने से कोई ट्रेन आ रही है जो कि हमको ओवरटेक करने वाली है। देखते हैं कि कौन सा ट्रेन है। सिग्नल तो उस ट्रेन को ग्रीन मिला है, वैसे तो हॉर्न तो डीजल इंजन का सुनाई दे रहा है। अच्छा ये था यार, यार ये तो वही पार्सल वाली ट्रेन है ना, झांसी चेन्नई फ्रेट V1।
जिसके साथ हमारा वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में मुलाकात हुआ था। जब हम नागपुर से डिपार्ट कर रहे थे तब हमारे लेफ्ट साइड में एक पार्सल ट्रेन आके रुकी थी, याद है क्या आपको? ये तो वही ट्रेन थी। तो यार यही ट्रेन हमको ओवरटेक कर रही है, यार फ्रेट ट्रेन को भी हमको ओवरटेक करवा रहे हैं, ये भी सह लेंगे। अब देखते हैं आगे कितना तक हम जा पाते हैं और कितने देर तक इस वीडियो में कंटिन्यू कर पाते हैं। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लैप्स दिखाते रहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन इस एक्ट का कवर करना है और आपको दिखाना है कि ये एक्ट कैसा है। मुझे तो बहुत पसंद आया ये एक्ट, अब आप लोग भी रिव्यू कर देना कमेंट्स में। ये देखिए यहाँ पे दो वैग 9 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वैग 9H, यहाँ पे लोको पायलट साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, और सामने में एक WDM-3D के साथ में एक दुरंतो, एक नहीं काफ़ी 3-4 कोचेस हैं, और उसके साथ में कुछ ICF कोचेस भी है जिसको कि रखा गया। ये लोग शायद शंटिंग का कुछ काम कर रहे होंगे, हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे डिपार्ट करते हैं कि मुझे लग रहा है हमको सिग्नल मिल चुका है आगे जाने के लिए। तो चलिए फिर डिपार्ट करते हैं हम लोग, अब धीरे धीरे यहाँ से डिपार्ट करते हैं। तो गाइस अगला जो हॉल्ट है हमारा वो सेवाग्राम स्टेशन है। सेवाग्राम स्टेशन तक पहुँचने के लिए हमको टोटल 27.4 किलोमीटर को कवर करके जाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 27.4 किलोमीटर को कवर करके हम चलते हैं सेवाग्राम स्टेशन तक। अरे ये क्या हो रहा है यार, हमको फिर से रोका जाएगा आई थिंक। यार अभी भी सिग्नल नहीं मिलेगा, राइट साइड में देखिए वापस से जो है सिग्नल ग्रीन हो चुका है, लगता है फिर से हमारा ओवरटेक होने वाला है। अब कौन ओवरटेक करेगा भाई हमको? अच्छा राजधानी एक्सप्रेस है यार, राजधानी एक्सप्रेस का जो ओवरटेक है ना, ओवरटेक वाला एक्शन आप लोग जरा देख लीजिए। वैब 7 के साथ में है ये राजधानी एक्सप्रेस। काफ़ी मस्त वाला ओवरटेक चल रहा है यहाँ पे। तो निज़ामुद्दीन बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस है, 22694 इसका ट्रेन नंबर है, इसने भी ओवरटेक कर लिया हमको। तो भाई अब तो रास्ता क्लियर करो हमारा, अब कितना देर तक रोकोगे यार? अब यार रास्ता क्लियर करना चाहिए यार आपको, चलिए 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 यार रास्ता क्लियर कीजिए। हम लोग ना गाइस धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा कुछ सेकंड्स तक और रुक जाते हैं। तो गाइस हमारा जो ट्रेन है ना, ये गोमती सागर एक्सप्रेस, इसका फर्स्ट सर्विस 1 जनवरी को शुरू हुआ था, 1 जनवरी 1991 को शुरू किया गया था। और इस गोमती सागर एक्सप्रेस टोटल 45 स्टॉप्स के साथ में आपको चेन्नई से लखनऊ तक पहुँचाती है, और ये टोटल 39 आवर्स और 25 मिनट्स लेती है इस पूरे जर्नी को कवर करने के लिए। और ये गाइस एक बाई वीकली ट्रेन है। तो ये थी गाइस छोटी मोटी सी जानकारी ट्रेन के बारे में, तब तक अब हम लोग डिपार्ट करते हैं। अब तो यार हम ही डिपार्ट करेंगे, अब कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलिए 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 जल्दी से डिपार्ट करते हैं, इससे पहले कि सिग्नल वापस से रेड हो जाए हमारा। अच्छा अब तो सिग्नल मिल ही चुका है, अब धीरे धीरे यहाँ से डिपार्ट करते हैं। और गाइस मेरा जो पिछला वाला वीडियो था, उस वीडियो को यार आपने ज़्यादा इतना मतलब कुछ खास प्यार नहीं दिखाया यार, वीडियो पसंद नहीं आया क्या? नहीं मैंने तो यार काफ़ी मेहनत किया था उस वीडियो में, मैंने कोशिश किया था कि आपको अच्छा लगे, लगता है आपने शेयर वेयर नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि व्यूज़ भी काफ़ी कम आ रहे हैं उसमें। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसे कंटेंट बनाने का, और तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक आपको पसंद ना आ जाए भाई। हाँ लेकिन भाई कंडीशंस ये है कि भाई आपको ट्रेन्स और ट्रेन्स के जर्नीज पसंद होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पसंद आएगा, नहीं तो आपको यहाँ भी पसंद कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे। अभी हम लोग फिर से थ्रॉटल को आगे बढ़ाते हैं, थ्रॉटल को हम लोग रखते हैं 80% पे। तब तक मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हम लोग आ गए स्लीपर क्लास वाले इंटीरियर में, स्लीपर कोच के इंटीरियर में अभी हम लोग आ चुके हैं। स्लीपर कोच का जो इंटीरियर है कुछ इस प्रकार का दिखता है,
चलिए अब मैं एसी वेसी का भी इंटीरियर दिखाऊंगा बहुत ही जल्द, लेकिन कुछ देर बाद में, थोड़ा सा जर्नी तय कर लेते हैं उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं एसी का इंटीरियर। ट्रैक साउंड तो सुनाई दे ही रहा होगा गाइस आपको। और लेफ्ट साइड में देखिए काफी बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा हुआ है इस बिल्डिंग में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस बिल्डिंग में। ये क्या बिल्डिंग है? सेंट्रल ग्राफिक आर्ट्स बिल्डिंग। अच्छा, सेंट्रल ग्राफिक आर्ट्स बिल्डिंग। लेफ्ट साइड से हाईवे है और मैं बोल रहा था ना सीनरी का भरपूर जो है इसमें एक्शन डाला गया, सीनरी डिटेलिंग सब कुछ है इस रूट में। हाँ, बट थोड़ा बहुत ओल्ड स्टाइल में, क्योंकि ये रूट काफ़ी पुराना रूट है। ये मैं आपको बता दूँ, ये रूट जो है ना काफ़ी पुराना रूट है, तो उस वक्त के हिसाब से ना ये रूट बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन रूट है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर से कर सकते हैं। चलिए, हमारा स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर का हो चुका है। मैं आपको पैसेंजर वाले व्यू पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आ गए हम लोग पैसेंजर वाले व्यू पे। तो गाइस वैम 4 के साथ में जो जर्नी है अब तक कैसा लगा आपको, कमेंट से बता दीजिएगा। तो गाइस अब बारी है आपको थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाने की, तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स और बताना कमेंट्स में कैसा लगा। छोटा सा ही दिखाऊंगा बस। गाइस टाइम लैप्स कैसा लगा कमेंट से बताइए। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हम लोग बूटी बोरी यार्ड पे आ चुके हैं। बूटी बोरी यार्ड पे हमको फिर से रोका गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है। लगता तो है फिर से ओवरटेक ही होगा, क्योंकि यार आज तो ऑलरेडी दो ओवरटेक्स को फेस कर ही चुके हैं हम लोग वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और यहाँ पे देखिए ये एक डीजल लोकोमोटिव के साथ में, मैंने वहाँ पे ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर दिया है, तो हम लोग रुक जाएंगे, बस रुकने ही वाले हम लोग। और ये WDM3A ABR का है, और इसके पीछे वाला लोकोमोटिव कौन से सेट का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे वाला जो लोको है ये भी WDM3A है, और ये लुधियाना का है, लुधियाना का ये लोकोमोटिव है। और ये कुछ स्टैटिक ICF ट्रेन के साथ में खड़ी है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, मतलब यहाँ पे वो पार्सल वाला रेक यहाँ पे फिर से आकर रुक चुकी है। आपको याद है ना पार्सल वाला रेक जिसके साथ हम लोग जो है पहले मिले थे। तो गाइस यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है कि कोई यहाँ पे होने वाला नहीं ओवरटेक, क्योंकि हमको सिग्नल मिल चुका है आगे, इसीलिए हम रोक नहीं रहे हैं ट्रेन को। तो चलिए फिर डिपार्ट तो कर ही चुके हैं हम लोग यहाँ से, स्पीड भी ज़्यादा स्लो नहीं हुआ था ट्रेन का, तो बस अब रुकेंगे नहीं, थ्रॉटल को और आगे बढ़ा देते हैं और ऐसे ही डिपार्ट करते रहेंगे। स्पीड जो है हमारा ट्रेन का बढ़ते रहेगा। तो हमारे ट्रेन में टोटल आई थिंक 3 AC कोचेस थे ना, लगता तो है। इसमें आपको AC 3 टायर का ऑप्शन मिल जाएगा, स्लीपर क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा और जनरल क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ट्रेन के सामने के साइड में चलते हैं। ये एक हाईवे है, लेवल क्रॉसिंग है। हम लोग जो है कर्व पे जा रहे हैं गाइस, और स्पीड हमारा गाइस ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है आगे, काफ़ी स्लोली स्लोली जो स्पीड आगे बढ़ रहा है। और एक ख़तरनाक वाला कर्व पे अभी हम लोग गुजर रहे हैं गाइस। देखिए कैसा लग रहा है ये कर्व वाला एक्शन। और वहाँ पे एक चीज़ तो यार मैं मिस कर गया, यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है ये कुछ फैक्ट्री वगैरह है, इसके ऊपर से देखिए ये धुआं का एनिमेशन भी किया गया है यहाँ पे। तो यार काफ़ी मस्त सीनरी का जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस सारा कुछ जो नज़ारा। और ये रूट गाइस बिल्कुल फ्री रूट है, आप इसका इन्जॉय कर सकते हैं। trainsim.com से बस डाउनलोड कीजिए और स्टॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए और बस, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये हम लोग आ गए इंजन रूम, तो इंजन रूम देख लीजिए कैसा लग रहा है इंजन रूम। मैं आपको सामने वाला इंजन रूम दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये आ गए अभी हम लोग सामने वाले इंजन रूम पे। सामने वाला इंजन रूम कुछ इस प्रकार का लग रहा है। चलिए अब बाहर निकलते हैं इंजन रूम से। और सामने हमारा ट्रैक्स का जो सिग्नल है गाइस वो हो चुका है ग्रीन। तो यहाँ से सेवाग्राम जंक्शन जो है 19.5 किलोमीटर्स का पड़ेगा,
तो सामने से गाइस अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेन आ रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ से स्मोक वगैरह दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा ट्रेन है। पहले आने दीजिए सामने में। हम लोग जूम आउट कर लेते हैं जल्दी से, और सामने का जो स्टेशन है ये है बोरखेड़ी। बोरखेड़ी स्टेशन को अभी हम लोग करने वाले स्किप। हॉर्न वगैरह बजा के रखते हैं। इस साइड का नज़ारा देख लीजिए आप लोग। इस साइड में कुछ खास आपको दिखाने के लिए है नहीं। नागपुर BPQ फ्रेट, एक और फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग। ट्विन WDM 3D के साथ में ये है फ्रेट ट्रेन। कैसा लगा आपको क्रॉसिंग? और गार्ड जी ग्रीन फ्लैग तो दिखाएंगे नहीं, हमको पता है। यार हमारा तो कोई प्रायोरिटी नहीं है इस गेम में। और वो देखिए वहाँ पे 3 टैंकर वाले फ्रेट ट्रेन को वहाँ पे रखा गया है, आपने अगर नोटिस किया होगा। और एक और लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाले हैं हम। तो बोरखेड़ी में ये देखिए एक ऑयल डिपॉट दिखाई दे रहा है मेरे को, बोरखेड़ी ऑयल डिपॉट। और सामने से एक और कर्व आने वाली है, और उसके बाद में जो है हमारा फिर से ट्रैक चेंज होके रोकना पड़ेगा हमको ट्रेन को। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस का क्रॉसिंग होने वाला है। देखिए ज़रा WAP 7 के साथ में ये ट्रेन है। ICF डिलीवरी का ट्रेन है। अल्ट्राटेक का जो सीमेंट का बैजिंग भी लगा हुआ है इस ट्रेन में। यार हम किसी का प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहे, इस ट्रेन में लगा हुआ है अल्ट्राटेक। तो बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर का नज़ारा तो वही है, खेत वगैरह सब कुछ है, और बीच बीच में हाईवेज आ रहे हैं, लेवल क्रॉसिंग्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, इस रूट में वैसा ही करने का कोशिश किया गया है। तो इस रूट के ओनर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, कि इतना शानदार और रियलिस्टिक वाला रूट आपने बनाया ताकि हम लोग जो है इन्जॉय कर सके। सामने से देखिए एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है, 22691 बेंगलुरु निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा, निज़ामुद्दीन राजधानी का क्रॉसिंग देख लीजिए आप लोग। गार्ड जी ने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया हमको। तो काफी मस्त वाला एक्शन अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से एक और कुछ टाइम लैप्सेस एंजॉय करते हैं हम लोग। तो मैं सेवाग्राम जंक्शन के बिल्कुल पास में जाकर आपसे मिल। तो गाइस सामने फाइनली हम लोग सेवाग्राम जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस इसका जो सिमुलेशन स्पीड है मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन कवर करना था और आपको दिखाना था। तो इसके बाद में अगले पार्ट में भी देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं। सेवाग्राम पे तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा हम लोग एंटर कर रहे हैं। स्पीड कुछ ज़्यादा लग रहा है क्या? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग आगे जाके स्पीड को घटा देंगे। और सेवाग्राम के प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 1 पे दिया गया है हमको। और राइट साइड में एक और ICF ट्रेन खड़ी है। ये कौन सा ट्रेन है वो सामने जाके देखते हैं। पहले हम ट्रेन को रुकवा देते हैं यहाँ पे। जैसे ही पूरा ट्रेन हमारा एंटर कर जाएगा हम लोग तुरंत ब्रेक्स को अप्लाई कर देंगे। पीछे में चलते हैं और देखते हैं। चलिए गाइस अब धीरे धीरे हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर और रुक जाइए, थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है, मैं फटाफट से ट्रेन को रोक के यहाँ पे आपको मैं सारा कुछ दिखा देता हूँ। और यहाँ का नज़ारा चलिए मैं आपको अब बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वैप 4 के साथ में कुछ एक LHB वाली ट्रेन यहाँ पे है, LHB भी है और ICF का गरीब रथ भी लगा हुआ है। यार ये कैसा अजीब सा कम्बिनेशन है। और ये जो सामने मैं ट्रेन आपको दिखा रहा था इसके साथ में WDM3 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और क्या सेवाग्राम पे, अच्छा और कुछ फ़िलहाल तो है नहीं सेवाग्राम जंक्शन पे दिखाने के लिए। तो यही सब था यार सेवाग्राम जंक्शन पे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट से बताना, और अगर आपने यहाँ तक इन्जॉय किया है ट्रेन जर्नी, अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा इस गेम में एक्शन अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। यहाँ से डिपार्चर का वक्त हो चुका है जो कि मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो अगला पार्ट भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ अगर आप यहाँ पे पहली बार एंट्री मार रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ट्रेन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है गाइज, अभी मैं आपसे फिर मिलूँगा इस गोमती सागर एक्सप्रेस के पार्ट 2 वाले जर्नी पे। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।